किसान भाई और बहनों, आईसीआर मध्य भारत समाचार के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, इस अंक में हम जानेंगे कि निमाड़ क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें ली जाती हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे इस क्षेत्र के उन्नत किसान श्री पृथ्वी सिंह सोलंकी जी। उनके साथ चर्चा कर रहे हैं संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर बीयू दुपारे जी। किंतु उससे पहले हम देखते हैं इस सप्ताह के मुख्य समाचार। संस्थान के कुशल सहायक श्रेणी कर्मी श्री सुरला हुए संस्थान से सेवानिवृत्त। संस्थान की स्थापना से ही प्रक्षेत्र विकास सहित फसल सुधार विभाग के विभिन्न अनुसंधान कार्यों में अपनी सेवाएं देने वाले श्री सुरला जी को सोयाबीन अनुसंधान परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं सुखमय भविष्य की शुभकामनाएं। संस्थान द्वारा क्रय किए गए ड्रोन का सोयाबीन फसल में उपयोग करने हेतु संस्थान के प्रक्षेत्र पर किया गया व्यवहारिक प्रशिक्षण। संस्थान की डॉक्टर सविता कोले, डॉक्टर राघवेंद्र नारगुंड एवं डॉक्टर संजीव कुमार ने लिया यह प्रशिक्षण। संस्थान द्वारा क्रियान्वित अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन अनुसंधान परियोजना AICRPS की 53वीं वार्षिक समूह बैठक का RVS KVV ग्वालियर में दिनांक 16 से 17 मई को होगा आयोजन। संस्थान समेत सोयाबीन फसल से जुड़े देश के विभिन्न AICRPS केंद्रों के वैज्ञानिक लेंगे इस बैठक में भाग, करेंगे अपने अनुसंधान परिणामों की प्रस्तुति। आज हम महेश्वर तहसील ग्राम कोडला खिड़ी के आसपास आए हैं। ये जैसे कि निमाड़ का क्षेत्र है और निमाड़ जो विविध फसल विविधता के लिए काफी जाना जाता है। हमारे साथ में सोलंकी जी है, पृथ्वी सिंह सोलंकी जी, जो कि एक उन्नत सोया कृषक है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि निमाड़ का क्षेत्र जो है, यहाँ पे कौन कौन सी फसलें होते हैं, क्योंकि हमने जाना है कि निमाड़ का किसान काफी मेहनत वाला होता है, कई सारी फसलें लेते हैं। आज हम इस समय पे ये फसल जहाँ पे चने की डॉलर फसल है इस खेत में है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, इसके पीछे में हमारा जो बनाना केले का खेत दिख रहा है जी। इधर अगर देखें तो ये हमारे दिख रहा है गिलकी का खेत दिखाई दे रहा है, और इधर अगर पीछे देखा जाए तो ये देखिए, ये सोयाबीन भी है हमारी, उसके पीछे मक्की भी है। तो ये तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि निमाड़ में और कौन कौन सी फसलें ली जाती हैं? सर, बेसिकली निमाड़ में रबी और खरीफ सीजन लगभग सभी प्रॉब्लम अभी किसान लेता है, और अभी किसान जो निमाड़ का किसान है वो फसलों का जो रोटेशन है वो मार्केट में जब रेट ज्यादा होते हैं उसके हिसाब से उसका प्लान करता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं सर कि समर में मेज लगा रखा है, क्योंकि अभी मेज के कम भाव जो है 2000 के आसपास है, तो मेज का भी काफी अच्छा प्रोडक्शन लेता है किसान। डॉलर चना है, डॉलर चने की भी अभी वर्तमान में रेट देखो, जब ये हार्वेस्टिंग का टाइम है आज भी इसके 10,000-10,500 के आसपास के रेट है इसके। अभी जैसे आप इधर हॉर्टिकल्चर क्रॉप में गिलकी देख रहे हो, उधर कमर्शियल क्रॉप में आप देखते हो तो बनाना है। बनाना का सर रेट जो पिछले 3-4 साल पहले जो 12-9 रुपए के आसपास बिकता था किलो में, वही आज जो है सर 28-30 रुपए किलो बिक रहा है। तो एक किसान या निमाड़ का जो किसान है वो छोटे रकबे में ज्यादा मेहनत करके ऐसी क्रॉप उगाना चाहता जिसका मार्केट में वैल्यू उसका ज्यादा मिले, वैल्यूएशन ज्यादा उसका। अभी आप गिलकी की क्रॉप देख रहे हो सर, ये गिलकी की क्रॉप ये लगभग 3-3.5 एकड़ में है और लगभग 7 लाख की उन्होंने निकाल ली, खर्ची हमारे 3 लाख के आसपास का। विविध फसलों का विविधकरण करता है वो, कोई भी फसल बड़े स्तर पर नहीं लगाता है, एक ही फसल लगाता है। एक मेरे ख्याल से यहाँ पे बेड़िया जो क्षेत्र है वो मिर्ची के लिए बहुत फेमस है, बहुत बढ़िया। मिर्ची की सर अभी रेट आप देखोगे आज तो 300-250 रुपए के आसपास क्रॉस कर रहे हैं सर। तो यहाँ निमाड़ में सर बेसिकली जो फार्मर है वो काफी मेहनत भी करता है और मार्केट के हिसाब से अपनी प्लान करता है, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर ने निमाड़ के किसानों को एक वरदान दिया है, नर्मदा जी का, नर्मदा का पानी जी। वो आदरणीय सुरगास यादव जी जो कृषि पूर्व में कृषि में थे, उन्होंने निमाड़ का किसान के खेत में पानी कैसे पहुंचे, और आज यह जो निमाड़ में आप हरियाली देख रहे हो उसी का परिणाम है कि माँ नर्मदा का पानी आपको
हर जगह जो आज आप हरियाली देख रहे हो इसमें माँ नर्मदा के पानी का योगदान है। वही कारण है कि आज माड़ का किसान देश को आत्मनिर्भर बनाने में लगा हुआ है, खुद भी आत्मनिर्भर बन रहा है और देश को भी आत्मनिर्भर बनाने में लगा हुआ है। यहाँ से सारी क्रॉप होती है। अभी मैं आपको इकोनॉमिकल या जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अगर देखा जाए तो फसलों में कौन सी जो फसल है जो कि ज्यादा आय देती है किसानों? सर हॉर्टिकल्चर क्रॉप में जाते हैं तो यहाँ का टमाटर बहुत फेमस है। उसकी सेल्फ लाइफ जो है, यहाँ का किसान जो टमाटर उगाता है किसी विशेष कंपनी का, जिसकी सेल्फ लाइफ सर एक हफ्ता होती है। यदि आज उसने हार्वेस्ट किया है तो मंडी तक पहुँचने के बाद 7 दिन तक उसकी सेल्फ लाइफ है। तो यहाँ पर जितना हम प्रॉफिट की तरफ ज्यादा जाते हैं उसको उगाने में उतनी रिस्क भी, पर यहाँ निमाड़ का किसान रिस्क लेने के लिए जाना जाता है, बिल्कुल तैयार है, वो रिस्क लेता है। खरीफ में जो फसलें जो ली जाती है, मैंने यहाँ पे काकड़ा या जिसको कपास जिसको काकड़ा कहते हैं वो लगाते हैं, और सोयाबीन है, और सोयाबीन और कपास के अलावा और कोई फसल होती है खरीफ में? खरीफ में सर सोयाबीन होता है, कपास होता है, मक्का होता है, और वेजिटेबल क्रॉप में देखें हम तो यहाँ पर बिटर गार्ड होता है, यहाँ पर कुमर होता है। बारिश में भी विविधताओं में करता, पर यहाँ पर चूंकि ब्लैक हैवी सॉइल है तो इसलिए जो किसान है कॉटन के ऊपर से थोड़ा सा शिफ्ट होके वो सोयाबीन की तरफ चला गया। सोयाबीन से क्या होता है कि सर जमीन हमारी रिचार्ज हो जाती है, तो बेसिकली फार्मर क्या करता है कि खरीफ में अपनी जमीन को रिचार्ज करने पर वो फोकस करता है, और अभी वो जो है वो सोयाबीन की तरफ चला गया क्योंकि यहाँ निमाड़ में ज्यादातर ड्रिप से खेती होती है। यहाँ पर जो इरिगेशन मैकेनाइजेशन बहुत अच्छा है यार, तो ड्रिप में क्या करता है किसान की जो आपकी अनुसंधान केंद्र की जो नई नई वैरायटी है जैसे नाम 642 है, JS 2069 है, JS 2098 है। मेरे क्षेत्र में सर इन वैरायटियों ने 10 कुंटल 12 कुंटल और अच्छे किसानों ने 14 कुंटल 15 कुंटल तक का प्रोडक्शन निकाला है एकड़ में। क्योंकि हमारे क्या होता सर कि सीड रेट को मेंटेन करते हैं, थोड़ा सा सीड रेट कम रखते हैं जैसे अभी आपने देखा, और पौधे का विगर अच्छा बनाते हैं, उसमें नंबर ऑफ फ्रूट ज्यादा लगाते हैं, और चूंकि डिस्टेंस ज्यादा होती है 4 फीट पे लेटरेशन होती है, उसके सराउंडिंग में 18 इंच पे दो रो होती है, उसके बाद फिर 28 इंच के बाद फिर कतार आती है। ऐसा जो होता है उससे जो प्लांट है वो पूरी तरह से हवावान भी होता है, उसको हवा भी लगती है और उसको न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर यहाँ का जो किसान है वो आपके संस्थान से जो दिशा निर्देश या जो अनुशंसाएं या जो रिकमेंडेशन आती है पर्टिकुलर क्रॉप प्रैक्टिस के संदर्भ में भी और नई वैरायटियों के प्रचलन के लिए भी, उन सारी चीजों को वो बहुत आपके संस्थान में जाके उन्हें देखता भी है, परखता भी है, और उन वैरायटियों को अपने हिसाब से अपने क्लाइमेटिक परिदृश्य से अपनी क्रॉप प्रैक्टिस के हिसाब से उसको वो करता है और उच्च उत्पादन देता है। सोलंकी जी, एक जमाना था हम लोग मध्य प्रदेश में जहाँ पे सोया राज्य जिसको कहते हैं, लेकिन कहते थे कि केवल मालवा की फसल है, निमाड़ इससे अछूता था। कुछ साल पहले हमने एक अपरंपरागत क्षेत्र के रूप में इसमें शुरुआत करी थी और कुछ लोगों ने इसमें रुचि दिखाई, जिसमें से आप भी हैं, बहुत अच्छी खेती करते हैं, तो क्या अब हम मान सकते कि सोयाबीन की जो फसल है निमाड़ में भी एक निमाड़ की एक प्रमुख फसल है कि बहुत ही कम लोग इसको लगाते हैं? नहीं सर, ये जैसे अभी मैंने अभी शुरुआत में बोला कि यहाँ पर यहाँ का किसान खरीफ में अपनी जमीन में सोयाबीन उगा के अपनी जमीन को रिचार्ज करना चाहता है, और रबी में फिर अपनी पूरी ताकत साधन लगा के जी। तो रबी में कौन सी फसलें लगाते हैं? रबी में सर यदि बेसिकली देखें तो डालर चना, और डालर चने के बाद में यदि हम दूसरी तरफ जाते हैं तो मेज का काफी रकबा बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ का किसान मेज एक एकड़ में आप ताजुब करोगे 60 क्विंटल प्रति एकड़ लेता है, हेक्टर नहीं, प्रति एकड़ 60 क्विंटल का प्रोडक्शन लेता है। बहुत जबरदस्त हो गया। और यदि मार्केट में 2000 के रेट है तो उसमें कॉस्ट जो है वो इनपुट कम लगता है और आउटपुट ज्यादा मिलता है, और फिर मवेशियों के लिए हमें घास मिल जाता है। यहाँ पर धीरे धीरे गेहूं का रकबा कम होता जा रहा है, क्योंकि गेहूं में सर क्या होता है कि उसको मेहनत ज्यादा लगती है और उसको रिटर्न कम मिलता है। नहीं, लेकिन ये मध्य प्रदेश का गेहूं तो बहुत दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में बहुत चलता है और उसके रेट भी अच्छे मिलते हैं, पर यहाँ पर सर क्या किसान जो है वो डॉलर चना लगाता है, एक एकड़ में वो डॉलर चना 7-8 क्विंटल निकाल लेता है, मतलब इससे ये कॉस्ट मोस्ट प्रॉफिटेबल इसमें है। यहाँ का किसान अपनी जो प्लानिंग करता है वो प्लानिंग करता है कि उसको बेनिफिट किसमें ज्यादा है। भाई मैं मानता हूँ कि गेहूं में बेनिफिट है, पर गेहूं से ज्यादा बेनिफिट वर्तमान परिदृश्य में उसको डॉलर चने में है, उसको ज्यादा बेनिफिट गेहूं के मुकाबले उसको मेज में है,
उसको गेहूं के मुकाबले ज्यादा बेनिफिट उसको हॉर्टिकल्चर क्रॉप में, चाहे वो बनाना हो, चाहे वो आपका गिलकी हो, चाहे वो करेला हो, चाहे वो लौकी हो, चाहे कुछ भी हो। और अभी तो एक पैटर्न ये चला है सर कि निमाड़ का किसान ड्रिप पे बहुत अच्छी खेती करके कद्दू का बड़ा प्रोडक्शन कर रहा है और यहाँ से दिल्ली लखनऊ सारे तरफ जो जो फसल जो जाती सब्जियां जाती वो निमाड़ का किसान ले जाता है, मालवा का किसान सब्जी की खेती नहीं करता। तो इन सब चीजों की मार्केटिंग कहाँ पे होती है फिर? सर, क्या चैनल क्या बने वो यहाँ से लोग लोड कर? में चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, मेरे यहाँ की भिंडी जो बड़वा के पास में का जो रीजन होता है वहाँ की भिंडी नेपाल दिल्ली नेपाल तक जाती है, नेपाल दिल्ली और जयपुर के जो बायर हैं वो खुद यहाँ से खेत से परचेस करके ले जाते हैं। किसान को सिर्फ अपनी फसल को तोड़कर सिर्फ रोड तक रखना होता, वहां से वो खुद ले जाता है, उसकी छटाई भी वो खुद करता है, पैकिंग खुद करता है। टमाटर के लिए भी यहाँ से मुंबई और कैश पेमेंट इनको तुरंत मिल जाता है, क्योंकि आज का जमाना ये है तो किसान के खेत से वो सीधा पेमेंट डाल देता है। और यहाँ का टमाटर इस साल कोयम्बटूर, हैदराबाद, बेंगलोर यहाँ तक गया है अभी दिसंबर का जो हमारा लगा था। चलिए, ये तो ये है, इसीलिए निमाड़ जो है नर्मदा जी का एक एक, 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 एक संगम यहाँ पे आया और उसके कारण जो निमाड़ में एक खुशहाली का एक राज नर्मदा जी का ही है। तो आज हमने निमाड़ में जाके यहाँ की निमाड़ की संस्कृति के बारे में, निमाड़ की जो विविधता है, जैव विविधता है, उसके बारे में जाना। सोलंकी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।